और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये संदिग्ध नाव मिली है। इस नाव के मिलने से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखिए, एक नाव मिलती है, उस नाव के अंदर 3 AK-47 है, कारतूस मिले हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समंदर में ये संदिग्ध नाव मिली है। हरिहरेश्वर बीच पर ये संदिग्ध नाव मिली है। ये हरिहरेश्वर बीच है जिस पर ये संदिग्ध नाव मिली। और जब इस संदिग्ध नाव की तलाशी ली गई, ये देखिए 1, 2, 3 AK-47 मिली है इस नाव के अंदर से। कारतूस मिला है और साथ ही 3 AK-47 मिली है। और ये देखिए आपको ये वो बैग दिखा रहे हैं जिसके अंदर से ये 3 AK-47 बरामद की गई है। एक संदिग्ध नाव, उसके अंदर ये बैग और उसके अंदर ये 3 AK-47। आप देखिए, हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए मार्किंग की है। ये तीन जो आप देख रहे हैं राइफल्स, ये AK-47 है। AK-47 इस बैग के स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंदर से मिली है हरिहरेश्वर बीच पर ये संदिग्ध नाव मिली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायगढ़ से दे रहे हैं जहां पर ये संदिग्ध नाव मिली है। और इस नाव के अंदर किस तरीके से 3 AK-47 और कारतूस रखा हुआ था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आप ये देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर। और जो जानकारी मिल रही है अभी, उसके मुताबिक जो ये संदिग्ध नाव मिली है वो मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की नाव है। तो मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की ये नाव है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो संदिग्ध नाव मिली है वो मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की नाव है। आज जो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उस मुताबिक रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स, ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है, उन्हें वहां पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। अभी वहां पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। कल एक बड़ा उत्सव जन्माष्टमी और गोपाल कला का उत्सव है, 8-10 दिन में ही गणेश उत्सव है और नागरिक बड़ी तादाद में इस परिसर में आने की जो संख्या होती है वो जो बाकी दिन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो सिक्योरिटी इज द मेन इशू, जो सुरक्षा है वो अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस हिसाब से जो एडिशनल पुलिस टीम्स है वो भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट उनकी भी होनी चाहिए। अगर रायगढ़ जिले में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर वहाँ पर टीम्स एडिशनल स्टेट एजेंसी से या फिर हमारी जो स्टेट की पुलिस एजेंसी उनसे अगर दी जाए तो वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होगी, नागरिक सुरक्षित रहेंगे। और इस वक्त राज्य शासन की तरफ से लोगों को यह हामी देनी चाहिए कि वो सुरक्षित है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होगा नहीं। इस बात की जो अभी दुर्घटना या फिर जो भी ये सब प्रकरण हुआ है या फिर जो भी ये इंसिडेंस हुआ है उससे किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे नहीं। तो रायगढ़ की विधायक का बयान इस वक्त आप सुन रहे थे और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक संदिग्ध नाव मिली है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये संदिग्ध नाव मिली, हरिहरेश्वर बीच, रायगढ़ में हरिहरेश्वर बीच, जहां पर एक संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 AK-47 इस संदिग्ध नाव से मिली है और साथ ही कारतूस भी मिला है। जांच की जा रही है, सेंट्रल एजेंसीज को इसकी जानकारी दे दी गई है, जिले भर में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। और एडिशनल जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये ओमान की नाव है।
और जी मीडिया संवाददाता यशा कोटक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। और साथ ही यशा, ये जो देखिए जानकारी हमें मिल रही है और हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हरिहरेश्वर बीच पर ये संदिग्ध नाव मिली है, और क्या अपडेट्स आए हैं अभी? जी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि ये जो नाव है जो नेपच्यून मैरिटाइम को बिलोंग करती है, उन्हें जो है अभी एजेंसीज जिन्हें इन्फॉर्म किया गया, यानी कि जो सेंट्रल एजेंसीज है और स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्हें इस नाव के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया। और अब जो ये जिस नाव ओनर्स से जो है खुद सेंट्रल एजेंसीज बात करेंगी, यहाँ तक कि प्रिमा फसी एजेंसीज का ये कहना है कि इसमें कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस खुद रायगढ़ की पुलिस वहाँ पे एटीएस जो अभी फिलहाल इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, एटीएस की टीम जो हरिहरेश्वर यानी कि रायगढ़ पहुँच रही है, वो भी इस पर जानकारी निकालेंगी और उनसे ये समझिए, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो कंपनी है नेपच्यून मैरिटाइम, उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू किया था कि ये जो बोट है वो टूट के कैप्साइज होके, यानी कि टूट के कैप्साइज होके वो जो है यहाँ पे रायगढ़ तक पहुँची थी, जिसके चलते ये जो कंपनी है वो खुद जो है इंटरनेशनल वाटर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये जो AK-47 और बाकी कारतूस थे इसलिए उसके अंदर थे, लेकिन यहाँ तक कि कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने ये बोट के टूटने की खबर ऑलरेडी इन्फॉर्म की थी, और अभी जो है कुछ देर में उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा, जहां हमने खुद देखा कि अदिति तटकरे जो वहां की जो विधायक है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि सीएम और डिप्यूटी सीएम से उनकी बातचीत हुई है, डिप्यूटी सीएम जो खुद होम मिनिस्ट्री की पोजीशन संभालते हैं, और फिलहाल क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है तो कुछ ही देर में सीएम इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे। यहाँ तक कि जो बाकी विधायक वहाँ पे फिलहाल मौजूद है, दीपक केसरकर जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ये कहा कि जो बोट मिली थी उसमें कोई मौजूद नहीं था, यानी कोई इंसान उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन कोस्ट गार्ड और MMB को यानी कि मैरिटाइम बोट को भी जो है इसके बारे में सूचना दी गई है, तो जितने भी एजेंसीज है जिसकी जो इसमें इन्वॉल्व है उन सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फिलहाल जो बड़ी एजेंसीज है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मचा है, हरिहरेश्वर बीच पर ये नाव मिली है, ओमान से ये नाव आ रही थी जो जानकारी मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे और अपडेट्स हमें मिलेंगे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।